बार प्रोटेस्ट कर रहे ये पहलवान अपना दिन कुछ ऐसे शुरू करते हैं। दंड पेलना, एक्सरसाइज करना, बादाम का पानी पीना, जितना हो सकता है उतना अपनी लाइफ और रूटीन को बैलेंस रखने की कोशिश की जा रही है। जंतर मंतर पर भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। जंतर मंतर पे खड़ी हूँ, पीछे दिल्ली पुलिस की होल्डिंग्स दिख रही होंगी, बैरियर्स दिख रहे होंगे, मतलब साफ है कि कोई प्रोटेस्ट कवर करने आई हूँ। हेलो, मेरा नाम भावना त्रिपाठी है, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त तो पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है जंतर मंतर पर। इस प्रदर्शन की पूरी टाइमलाइन और इस प्रदर्शन का कारण क्या है ये एक बार समझ लीजिए, उसके बाद उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। जनवरी 2023 कुछ पहलवानों ने, जो भारतीय कुश्ती महासंघ है यानी कि जो रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके जो मुखिया हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई कि भाई वो यौन शोषण करते हैं, गलत तरीके से लड़कियों को छूते हैं, कमरे में बुलाते हैं वगैरह वगैरह। CP के पुलिस स्टेशन में वो लोग गए, वहाँ पर FIR नहीं लिखी गई। जब वहाँ पर FIR नहीं लिखी गई तो उसके बाद फिर जो पहलवान थे उनके पास कोई चारा नहीं बचा, काफ़ी कोशिशें की, उसके बाद वो प्रदर्शन करने के लिए उतरे। जब प्रदर्शन करने के लिए उतरे तब कहा गया कि चलो ठीक है, एक जाँच कमेटी बनाई जाएगी और उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली एक जाँच कमेटी बनाई गई, उसके बाद उस जाँच कमेटी की रिपोर्ट जो है वो उसने सौंप दी। लेकिन जब जाँच कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई तो वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। उसके बाद 3 महीने बाद एक बार फिर जो पहलवान हैं वो प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं कि रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं किया गया, ऐसी क्या बातें हैं जो सामने नहीं लाई गई। और जो पिछली बार जब प्रदर्शन के दौरान जो वादे किए गए थे पहलवानों से वो पूरे नहीं किए गए। इसको लेकर के पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब वो जो याचिका है उस पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी, फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए आज का दिन थोड़ा सा निर्णायक भी हो जाता है कि कल आखिर क्या होने वाला है। ये पूरी टाइमलाइन थी, अब इसके आगे और पीछे भी तमाम कहानी है, वो डिटेल में आपको अलग अलग वीडियोस में एबीपी लाइव में मिलते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं और पहलवानों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो लड़ाई है वो अपनों से कितनी मुश्किल हो चुकी है। इसके बाद हमने कोशिश की और बात की पहलवान बजरंग पुनिया से। बजरंग जी, एक बात बताइए कि 28 अप्रैल जो होने वाला है कल का दिन, वो कितना निर्णायक होने वाला है आपके? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में हमारा ही पहला दिन है हियरिंग का और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट खिलाड़ियों के साथ जरूर न्याय करेगा जी। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत तमाम सवाल किए गए, कहीं ना कहीं ओलंपिक्स आने वाले हैं, आप लोगों की डाइट पूरी नहीं हो पा रही है, प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पा रही है, ये क्या आने वाले भारत के लिए मेडल्स में कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा ना, तो सरकार को सुनना चाहिए कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल करेगा, और कि हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, अच्छे से खा नहीं पा रहे, पर ये चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। हम मेडल टैली में बहुत नीचे हैं, जो मेडल लाते हैं हर बार, ऐसे 4 ओलंपिक हैं जो रेसलिंग लगातार मेडल दे रहा है, 2008, 12, 16 और 20, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी भी खिलाड़ी को हैरेस किया जाना चाहिए मेंटली। आज भारत की बेटियां मुश्किल समय में हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि अपने संज्ञान में लेके न्याय दिलाएं, क्योंकि आपका भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, इसमें राजनीति बहुत हो रही है, बबीता फोगाट सपोर्ट में आई है, योगेश्वर दत्त हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, तो उनके पहलवान होने के नाते वो अगर इस तरह से अगेंस्ट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ेगा। हमारे ऊपर कुछ असर नहीं है, क्योंकि उनकी आपस की लड़ाई है, वो कमेटी के मेंबर थे जी। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, पर मुझे इतना पता है जब वो आपस में ही तालमेल नहीं बिठा पा रहे तो वो खिलाड़ियों के साथ न्याय क्या करेंगे। अब 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और तभी पता चलेगा कि ये प्रोटेस्ट अब खत्म होगा या और आगे तक जाएगा।